साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसन। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपका बिहेवियर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके पास में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है। आपका बिहेवियर आपका फाइनेंशियल डिसीजंस सेव करता है। बिहेवियर इज बेटर देन, क्योंकि आप सब में से अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी परवरिश अलग एनवायरनमेंट में, आपके पेरेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, आपका चाइल्डहुड डिफरेंट, आपकी एजुकेशन डिफरेंट स्कूल्स में हुई। हर इंसान का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, हर इंसान का अलग अलग बैकग्राउंड होता है और उसी तरह से उनका बिहेवियर भी सेम होता है अलग अलग तरीके से। हर इंसान का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग रहा है। फाइनेंशियल डिसीजंस पे एक्ट करने के लिए इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है इंसेंटिव, पीपल रिएक्ट टू इंसेंटिव। कोई भी इंसान कोई काम करता है तो उसके लिए कोई इंसेंटिव रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट स्कूल में है तो वो होमवर्क करके जाता है और उसके ट्रॉफी दिया जाता है तो अगली बार भी होमवर्क करने को चाहेगा। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी ना दिया जाए तो आप जॉब नहीं करेंगे। वहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव, सैलरी, कोई काम कर रहा है तो उसको जो है कोई इंसेंटिव फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है या किसी और तरीके का इंसेंटिव। उसके बैकग्राउंड से डिसाइड होता है लोगों का बिहेवियर जो है वो सेफ होता है, वो किस तरह के बैकग्राउंड में रहा है। यदि स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल है, इंडिया में स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स 1992 से 2003 तक ऑलमोस्ट जो है फ्लैट रहा, 3,000-4,000 के अप्रोक्सीमेट में रहा। और वहीं पे जो है सेंसेक्स 2003 से 2007 के बीच में 5 गुना बढ़ा। अब मान लीजिए जो अपने 20 ईयर्स के थे वो मार्केट को देख रहा होगा, ये स्टॉक मार्केट में पैसा बन ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट पूरा फ्लैट रहा है। 1992 में मार्केट क्रैश हुआ था, हर साल में होता है स्कैम और ही बहुत सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट 10-11 ईयर्स में मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट रहा। स्टॉक मार्केट के बारे में उनका माइंडसेट जो है वो पेसिमिज्म कर रहा होगा, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनते, इसमें तो पैसे ग्रो नहीं करते, इससे अच्छा तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें या प्रॉपर्टी में कर लें। और वहीं पे स्टॉक मार्केट जो है, मान लीजिए कि आप 2003-04 में जो है आप 20 साल 22 साल के थे, तो वहाँ पे आपका जो 20s भी था, ठीक है, वो जो है उस टाइम पे भी था जब स्टॉक मार्केट काफ़ी रेपिडली ग्रो कर रहा था। 2007-08 तक जो है स्टॉक मार्केट 4-5 साल में 5 गुना बढ़ा, ठीक है। तो उस टाइम जो अपने 20s में होंगे उनके लिए मार्केट जो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, उसका बिहेवियर जो है स्टॉक मार्केट की तरफ काफ़ी पॉजिटिव होगा कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है मान लीजिए 2003-04 से अभी तक में 100 गुना या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो लोगों का जो है बिहेवियर, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि वो कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे बजाय उसके नॉलेज के इन हैंडलिंग मनी। तो जो लोग 1992-93 में 20-25 साल के थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते होंगे, बट वही जो है 2003-04 में जो 20 साल के थे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाह रहे होंगे क्योंकि उनका वर्ल्ड व्यू उस तरीके से सेव हुआ। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन में इस तरीके से लोगों का बिहेवियर सेव होता है। मॉर्गन हॉसन कहते हैं कि पीपल डू सम क्रेजी थिंग्स बट नो वन सीज क्रेजी। क्योंकि मान लीजिए लॉटरी वगैरह ही खरीदते हैं, लॉटरी वगैरह जो है मोस्टली जो है, बट जो ऑलरेडी डेट में हैं उनके लिए लॉटरी खरीदना तो और ही डेट में जाने का रास्ता है। बट वो लॉटरी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो लॉटरी नहीं खरीद रहे, उनका वर्ल्ड व्यू ये है कि वो ड्रीम खरीद रहे हैं। भले ही लॉटरी में जो है 10 लाख में 1 लॉटरी फंसने का चांस हो, हर किसी का वर्ल्ड व्यू अलग अलग है और कोई भी यूनिवर्सली ऐसा रूल नहीं है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इसलिए अक्सर कहते हैं कि नो वन इज क्रेजी। फाइनेंशियल डिसीजंस आर नॉट मेड प्योरली ऑन लॉजिकल बैकग्राउंड और मैथमेटिकल इक्वेशंस, रेदर फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन ऑन योर ओन वर्ल्ड व्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एक फाइनेंशियल डिसीजन किसी के लिए इरेशनल लग सकता है कि ये तो सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, वही किसी के लिए सेंस बन सकता है कि हाँ
हाँ ये करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।